मेडिसिन और पुलिसिंग एक है। कैसे कि आपके पास आते हैं बायोलॉजिकल वायरसेस के विक्टिम, वही होते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजेंस कहते हैं, एक्सीडेंट्स है। हमारे पास आते हैं सोशल वायरसेस के विक्टिम। ये क्रिमिनल्स क्या है? ये नॉर्मल इंसान थे अपनी जिंदगी में, ये बिगड़ गए, म्यूटेशंस हो गए इनके अंदर, कोई बैक्टीरिया बन गया, कोई वायरस बन गया, कोई कुछ बन गया। तो डॉक्टर के पास भी एक डिस्ट्रेस में बंदा जाता है फिजिकल, हमारे पास भी एक बंदा डिस्ट्रेस में आता है सोशल, किसी रिश्ते ने, किसी यार दोस्त ने, बिजनेस पार्टनर ने, फैमिली में नुकसान पहुंचा। सेम मैं सुबह ही आए ओपीडी करता हूं रोजाना, अब आ जाए रेमेडी पे, आप हैरान हो गए कि आपका काम कितना आसान है और हमारा कितना मुश्किल है। आपका काम क्या है? डायग्नोसिस कर लिया, उसके बाद बनी बनाई मेडिसिन है। आपके पूछे पूरी रिसर्च मेडिसिन, वो आपने कहना है ये फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, इसका मतलब है तमाम लेबोरेटरीज ने आपको आइडेंटिफाई करने में मदद दी उस पैथोजन को, तमाम मेडिसिन कंपनियों ने उसको किल करने के लिए रिसर्च लैब्स खोली हुई हैं, नए नए जो वायरसेस आ रहे हैं, जबकि हमारी पूरी सोसाइटी उन वायरसेस की दोस्त है। जो हमारे वायरस है कौन है? इसका ये पॉलिटिकल फ्रेंड है, इन्हें नहीं मारो, ये उसका इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड है, इसको छोड़ दो। आपके वायरसेस का कोई लॉयर है? है नहीं है, हड्डियां दे अदालत ही भरी है, वो उनको बचाने के लिए। मैं गिरफ्तार करता हूं, वो कहने सवेरे से मारत दो, मैं कहता हूं सर इसने इतनी ह्यूमिलिएशन की है खातून की, वो कहते नहीं ये तो अवेलेबल जाए। आप अंदाजा करें साइटी को, आपके लिए ये बात नहीं होगी, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूं, ये लोग बातें इस तरह की कम, मेरे जैसे पागल कम है ना, तो इसलिए कम बातें करती हैं। आप अंदाजा करो कि आपके वायरसेस बैक्टीरिया की पूरी दुनिया दुश्मन है, और हमारे जो विक्टिम आते हैं, हमारे पास जो पेशेंट, हमारी जो क्लाइंटेज है, उसके वायरस बैक्टीरिया की पूरी दुनिया दोस्त है, उनको बचाने में लगी, तो हमारा काम कितना मुश्किल है।